नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को अपना निशाना बनाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि जब उस कश्मीरी पंडित को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर्स ने यह अपडेट दिया है कि उसकी हालत में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर आतंकियों ने इस पूरे घटनाक्रम को किस मकसद से अंजाम दिया। आपको बताते चले, एक ही दिन में तीन तीन हमले किए गए और इनमें से एक हमला कश्मीरी पंडित पर किया गया था। आतंकी हमले में चोटी गांव के बाल कृष्ण के हाथ और पैर में चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने भी बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सेना और पुलिस कर्मियों को कश्मीरी पंडित दुकानदार पर हमले की जानकारी मिलने के बाद गांव में भेजा गया है। रात लगभग 8 बजे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शोपिया का यह पूरा मामला है, जहां पर आतंकवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। वैसे आपको बता दें, श्रीनगर के मैसूमा इलाके में भी आतंकवादियों की गोलीबारी में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ, जबकि एक जवान की मौत हो गई। तीसरा हमला आपको बताते चले, दिन में ही पुलवामा जिले में आतंकवादियों के हमले में बिहार के दो मजदूर घायल हो गए। एक ही दिन में तीन तीन आतंकवादी हमलों के बाद अतिरिक्त पुलिस बल और सेना बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन सब को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर किस मकसद से ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की गई है। वैसे आपको बता दें, अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि पुलवामा के लाजुरा में सोमवार दोपहर में आतंकवादियों ने पटलेश्वर कुमार और जाकू चौधरी पर गोलियां चलाई। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। बता दें, रविवार की शाम पुलवामा के नौपुरा इलाके में दो गैर स्थानीय मजदूरों को गोली मार दी गई थी। उसके बाद से ये पूरी अपडेट अधिकारियों ने जारी की है। जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आता रहेगा, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।